मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। गहलोत सरकार की प्रवासी मजदूरों को अपने घर लाने के लिए एक बड़ी पहल हुई। केंद्र ने विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। प्रवासियों को अपने राज्य पहुंचाने के लिए चलेंगी विशेष ट्रेन। राजस्थान के लिए रेलगाड़ी चलाने को मंजूरी मिली है। जयपुर कोटा से जाएंगी पहली दो ट्रेन। सीएम गहलोत ने सबसे पहले उठाया था पीएम मोदी की वीसी में यह मुद्दा। तो चलिए इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रेन चलेगी उससे कितने श्रमिकों को इसका फायदा भी जरूर होगा और निश्चित तौर पर गहलोत सरकार का ये जो प्रयास है वो काफी रंग लाया है। बिल्कुल, अमित, तो बता दूं आपको, पहले दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात की मांग कर रहे थे कि प्रवासी जो श्रमिक है उनको लाने की अनुमति दी जाए और इस पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी और उसके बाद से मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया और साथ ही केंद्र सरकार से इस बात की मांग की कि इन सभी श्रमिकों को बसों से लाया जाना संभव नहीं है क्योंकि राजस्थान में करीब 8 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वापसी के लिए, 3-4 लाख लोग वापस राजस्थान से अपने प्रदेशों में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऐसी स्थिति में बसों से लाया जाना संभव नहीं था तो केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे थे। रात में भी इस बात के संकेत आए थे कि जो रेल मंत्रालय है उसकी अनुमति दे सकता है और केंद्र सरकार इसके लिए कोई एडवाइजरी जारी कर सकती है। अब खुशखबरी ये है कि केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। पहले फेज में 5 ट्रेनों से श्रमिकों को लाने और ले जाने का काम शुरू होगा तो माना जा रहा है कि 6,000 के लगभग रोजाना श्रमिक आ सकेंगे और 6,000 के लगभग ही जा सकेंगे, लेकिन श्रमिकों की संख्या बड़ी है क्योंकि इस समय जो भी मजदूर जिस भी प्रदेश में है, जिस भी जिले में है, वो अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने शहर में जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, रेल मंत्रालय चाहता है कि जो यात्रा हो सुगम हो। हालांकि अभी तक किसी तरह का जो है ट्रेनों में जाने के लिए सफर के लिए टिकट बुकिंग शुरू नहीं हुई है क्योंकि इसका फैसला भी केंद्र सरकार करेगी। आखिरकार राजस्थान सरकार उनको सूचना सौंपेगी या उनको टिकट बुक कराना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इतने लोगों को लाना और किसी तरह की भीड़ नहीं हो, किसी तरह का उपद्रव नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से लाना और उनको वापस छोड़ना और इस दौरान उन तमाम श्रमिकों की जाँच होना, क्वारंटाइन करना और ट्रेन का सैनिटाइजेशन करना क्योंकि इस दौरान ट्रेन जिस भी स्टेशन से रवाना होगी दूसरे स्टेशन पर पहुंचने तक बीच में ठहराव नहीं होगा और ठहराव भी होगा तो बीच में दूसरे लोगों को बैठाया नहीं जाएगा उसमें, तो तमाम बातों की जो ख्याल है वो भी रखना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं अमित, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर पहल की थी, हालांकि कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि पहले तो मांग कर रहे थे प्रवासियों को लाने की अनुमति दी जाए और जब केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी तो ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले दिन से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक केंद्र सरकार श्रमिकों को लाने के लिए विशेष ट्रेन नहीं चलाएगी तो तमाम श्रमिकों को वापस लाना संभव नहीं है क्योंकि कोई तमिलनाडु बैठा है, कोई आसाम बैठा है, कोई महाराष्ट्र बैठा है, तो दूर दराज के जो प्रदेश हैं, क्योंकि ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहां श्रमिक नहीं रहते हों और तमाम लोग वापस आना चाहते हैं तो उनको बसों से लाया जाना संभव नहीं था। इसलिए पहले दिन से ही मुख्यमंत्री इस बात को लेकर मांग कर रहे थे और आखिरकार उनकी मांग पर सरकार ने जो है मुहर लगा दी है और केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करके स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। तो ये श्रमिकों को, एक तरह से श्रमिक दिवस भी है आज, तो उनके लिए राहत की खबर है, उनके लिए तोहफे के समान है क्योंकि वो अपने घर जाने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तुम्हारे साथ विशेष संवाददाता नीरज मेहरा हमें जानकारी दे रहे थे कि गहलोत सरकार का जो प्रयास है आखिरकार रंग लाया है और सबसे ज्यादा उन श्रमिकों को फायदा मिलेगा जो बाहर है, राजस्थान के बाहर है, तो अच्छी खबर है।